सुप्रीम कोर्ट द्वारा नदियों में दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाए जाने के बाद अब प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा राप्ती नदी के तट पर डोमिनगढ़ और महेसरा में वैकल्पिक पोखरों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निरीक्षण करके SSP शलभ माथुर ने व्यवस्थाओं एवं सुरक्षा की जानकारी हासिल की। इस दौरान SSP ने पोखरों के आसपास सुरक्षा, यातायात सहित अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP शलभ माथुर ने बताया, यहाँ पे बैरिकेडिंग करा देंगे, इसमें नहीं यहाँ तो बात नहीं सर। मूर्तियों का विसर्जन होना है राप्ती तट पे महेसरा डोमिनगढ़ जी, ये विजिट्स किए गए थे बेसिकली वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए, तो सुरक्षा की व्यवस्था देखने के लिए वहाँ पे हम लोग को किस तरह का फोर्स डिप्लॉयमेंट करना है और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है वो, और जो वहाँ पे हम लोग को 19 तारीख से जो रूट डाइवर्जन फोर्स की तैनाती, ट्रैफिक डाइवर्जन इत्यादि किया करना है, उन सब की तैयारियों की समीक्षा हेतु किया गया था और वहाँ पे आवश्यक दिशा निर्देश किए गए हैं। और हम लोग की अपील है, जनता से शुभकामनाएं भी हैं कि बहुत ही शांति और सौहार्द से आने वाले इस पर्व को मनाएं।